सो नाउ विल टॉक अबाउट क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, ठीक है. बाकी क्लॉस्ट्रिडियम्स की तरह ये भी एक एनारोब है, ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब. और इसके भी स्पोर्स हैं, ये स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है. परफ्रिंजेंस के जैसे सब टर्मिनल स्पोर्स थे, इसके भी सब टर्मिनल स्पोर्स हैं, ठीक है. अनलाइक टर्मिनल स्पोर्स जो कि ड्रम स्टिक अपीयरेंस होती है टेटनस की, ठीक है, इसकी नहीं होती, इसकी सब टर्मिनल जैसे कि परफ्रिंजेंस था वो, ठीक है. और ये मोटाइल है, ठीक हो गया. एंड आपको ये पढ़ाई होगा हमने, बॉटुलिज्म कॉज करता है ये क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, कितना पढ़ा होगा ये, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं बॉटुलिज्म कॉज करता है. और बॉटुलिज्म क्या है, बेसिकली फूड पॉइजनिंग है ना, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. मतलब बेसिकली हमें इससे ये पता लगता है कि ये फूड से हमें मिलता है. और ये जो बॉट्यूलिन है, मतलब जो बॉट्यूलस है ना, इसका जो लिटरल मीनिंग था, मतलब ग्रीक से जो जहाँ से भी निकला होगा ये, तो ये लैटिन है. बॉट्यूलस का जो मीनिंग है वो है सॉसेज, ऑब्वियसली मतलब फूड है, एक फूड आइटम से निकला है, तो उसकी वजह से ये कॉज होता है हमारा बॉट्यूलिज्म. अब ये जो हमारा ये जो क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम है, ये एक क्या सिक्रीट करता है, ये एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है. उस टॉक्सिन का नाम है बॉटुलिनम टॉक्सिन, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है ना, बॉटुलिनम टॉक्सिन. ये जो बॉटुलिनम टॉक्सिन है, ये न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है. और ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेजिव है, मतलब कि ये बहुत ही मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस नोन टू बी लीदल टू मैनकाइंड, ये एक लाइन इसके लिए बोली जाती है, ठीक है. तो बहुत ही टॉक्सिक मान समझ लो आप कितना होगा. अब ये एक्ट कैसे करता है, चलो नॉर्मल पहले आपको फिनोमिनन बताती हूँ कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या में होता क्या है, ठीक है. सपोज ये था, ठीक है, यहाँ पे ये एक न्यूरॉन का एंड है, इसमें क्या हुआ, यहाँ सिनैप्टिक वेसिकल है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज सिनैप्टिक वेसिकल. इसके अंदर है एसिटाइलकोलीन हमारा, ACH, एसिटाइलकोलीन. और एसिटाइलकोलीन आपको पता है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है. तो फिर हमारे यहाँ पे बॉल्स पे, यहाँ पे होते हैं हमारे कुछ स्नेयर प्रोटीन्स, एक कॉम्प्लेक्स होता है स्नेयर प्रोटीन्स का, ठीक है. स्नेयर प्रोटीन्स क्या होता है कि ये जो जो हमारा सिनैप्टिक वेसिकल है, नॉर्मली क्या होता है कि इनकी मदद से, ये स्नेयर प्रोटीन्स की मदद से एसिटाइलकोलीन यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है. और यहाँ से ऐसे करके रिलीज़ हो जाता है, इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं. सपोज़ यहाँ पे एसिटाइलकोलीन जो है वो रिलीज़ हो गया, किसकी मदद से, स्नेयर प्रोटीन्स की वजह से. तो ये जो हमारा बॉटुलिनम है वो क्या करता है कि वो इस स्नेयर कॉम्प्लेक्स को, ये जो BT हमारा है, ये स्नेयर कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है, क्लीव कर देता है. अब अगर ये क्लीव हो गया तो ये वेसिकल है, ये यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, अटैच ही नहीं हो पाएगा, बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो एसिटाइलकोलीन रिलीज़ ही नहीं हुआ. अब अगर एसिटाइलकोलीन नहीं रिलीज़ हुआ तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, है ना, एसिटाइलकोलीन की वजह से होती थी, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो मतलब कि पैरालिसिस, तो ये पैरालिसिस कॉज करेगा, ठीक है. अब ये जो हमारा ये वाला जो बॉटुलिनम BT टॉक्सिन है हमारा, ये कितनी फॉर्म्स में आता है, ये इसके 8 सीरोटाइप्स हैं, ABCDEFG, ठीक है, C1C2, ठीक है, एट सीरोटाइप्स हो गए, ठीक है. अब इसमें से ये सारे न्यूरोटॉक्सिन्स हैं और ये हमारा एंटेरोटॉक्सिन है, ठीक है. ये हो गए 8 टाइप्स ऑफ हमारे एक्सोटॉक्सिन्स दैट आर बॉटुलिनम टॉक्सिन, ओके. देन इसका यूज़ क्या हो सकता है, हमने पिछले टेटनस में पढ़ा कि टेटनस जो है वो स्पैजम कॉज करेगा और बॉटुलिनम उसका उल्टा पैरालिसिस कॉज कर रहा है. तो हम ये काम कर सकते हैं कि जिसको स्पैजम है, ठीक है, उसको हम लोग ये वाला टॉक्सिन दे सकते हैं ताकि उसका जो स्पैजम है वो कंट्रोल में आ सके. तो फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्पैजमोडिक कॉन्ट्रैक्शंस, उनमें ये यूज़ हो सकता है एज अ थेरेप्यूटिक एजेंट, ठीक है. अब ये जो पैरालिसिस होता है, ठीक है, इसमें फेस के मसल्स भी, हर चीज़ इन्वॉल्व मान लो. तो फेस के मसल्स हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आप दे पाओगे कोई, ठीक है, आप च्यू नहीं कर पाओगे, यू विल बी हैविंग डिसफेजिया, मतलब आपको खाने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, डिसआर्थ्रिया, मतलब आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है, आर्टिकुलेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है. देन इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, नॉट डायरिया. उसमें हमने पढ़ा था डायरिया होता है, इसमें होता है कॉन्स्टिपेशन. परफ्रिंजेंस में हमने पढ़ा था डायरिया और इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है. और अगर रेस्पिरेटरी मसल्स की बाई चांस हो गई पैरालिसिस तो फिर आपको पता आ गया डेथ है, वेट कर रही. चलो, तो ये सब हमारे मैनिफेस्टेशंस हो गए.
देन जो बॉटुलिज्म है वो फूड बॉर्न है हम कह सकते हैं, या फिर कब क्या होता है कि इन्फेंट्स को बहुत हो जाता है, और ये कैंड प्रोडक्ट्स में होता है, जो कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना वहाँ पे ये ग्रो कर सकता है। अब जो हम कई बार क्या होता है कि जो कैंड होता है ना जिसमें ये होता है, ये फूल जाता है कैंड, मतलब उसमें एयर हो जाती है वो। तो एक और चीज़ हो जाती है, अगर हम लोग हनी देते हैं, हनी भी एक कैंड फूड है, ठीक है। हनी मोस्टली हम इन्फेंट्स को देने की टेंडेंसी रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं नहीं, वो बच्चों को मीठा करवाते हैं शायद, मतलब जो भी है हम ऐसे चटवाते हो तो हनी, तो इन्फेंट्स को वो कर देते हैं, और हनी में अगर वो हुआ तो फिर आपको पता है फिर क्या हो जाएगा। तो उससे होता है इन्फेंट बॉटुलिनम, और वो होता है फ्लॉपी चाइल्ड सिंड्रोम, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉपी चाइल्ड सिंड्रोम। आइट्रोजेनिक भी हो सकता है। आइट्रोजेनिक का क्या मतलब है कि हमने थेरापेटिक यूज़ के लिए हमने यूज़ किया था, क्या पता हमने एसेटिक यूज़ के लिए यूज़ किया हो, या स्पैज़म को कंट्रोल करने के लिए हमने यूज़ किया हो, लेकिन वो एक्सेसिवली हमें हमने उसको दे दिया, तो फिर ऑब्वियसली फिर बॉटुलिज्म कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं लैब डायग्नोसिस। सबसे पहले लैब डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे स्मियर को, आइसोलेट करेंगे, ठीक है। देन है हम लोग उसको देखेंगे, और देखने में हमें क्या पता लगेगा कि वो एक सब टर्मिनल उसके स्पोर्स हैं, और हमें पता लगा कि वो ग्राम पॉजिटिव है, और वो बैसिलाई है, और वो नॉन कैप्सुलेटेड है। कैप्सुलेटेड हमने किस में किया था? क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस में, उसमें हमने पढ़ा था कि वो कैप्सुलेटेड है, बाकी ये लोग सब नॉन कैप्सुलेटेड है, ठीक है। ये सब हमें पता लग जाएगा अपने ग्राम स्टेनिंग से। देन आइसोलेशन कल्चर किया, कल्चर कल्चर हमने ब्लड अगार में कर लिया, ठीक है, या फिर रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ जो हमने लास्ट में किया था, और उसमें हमने क्या बताया था कि हम रॉबर्टसन ये वाला रॉबर्टसन रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ जो हमने यूज़ किया था, उसमें हमने क्या बोला था कि अगर तो वो प्रोटियोलिटिक है तो वो ब्लैक कर देगा मीट को, और अगर वो सेक्रोलिटिक है तो वो पिंक कर देगा। तो जो ब्लैक हुए थे वो कौन थे? बॉटुलिनम, ये हमारा बॉटुलिनम, और जो पिंक हो गए थे वो थे हमारे परफ्रिंजेंस, पी से पी, ठीक है, परफ्रिंजेंस, और यहाँ पे टेटनाई। अब ये जो बॉटुलिनम है ना, ये दोनों में आ जाता है, क्योंकि बॉटुलिनम कुछ टाइप्स का होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका वो हो सकता है, ठीक है, बायो एसे मतलब कि हम एक किसमें, ऑर्गेनिज्म में, माउस में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं इसका टॉक्सिन, तो फिर क्या होता है कि अगर माउस में पैरालिसिस आ गई तो फिर दैट इज़ कि है वो। ट्रीटमेंट क्या है इसका, कि हम इसको एंटीटॉक्सिन दें, ठीक है। और ये जो हमारा बायो ये वाला हमारा है, ये बॉटुलिनम, ये बायो टेररिज्म में भी यूज़ होता है, बायो टेररिज्म, ठीक है। बैसिलस एंथ्रैक्स हमने पढ़ा था कि बायोटेररिज्म में यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।